किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं विंटर स्पेशल हलवाई की दुकान में मिलने वाला खजूर पाक। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी खजूर पाक। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो खजूर, यही मैंने यहाँ पे नरम वाला खजूर लिया है। अब इसके हम सारे बीज निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे खजूर के बीज निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सारे खजूर के बीज मैंने निकाल के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी। घी को हम गरम होने देंगे। घी हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे, इस तरह से मैंने बादाम को कट कर लिया है टुकड़ों में, इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम बादाम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम काजू। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम पिस्ता। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम लेंगे 50 ग्राम खरबूजे के बीज और उसमें अब मैं ऐड करूंगी 4 बड़े चम्मच खसखस और यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम नारियल का बुरादा। इन सब चीजों को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। धीमी आंच पे इसे हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी सामग्री अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच घी। घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। हमारा घी गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे हमारा कट किया हुआ खजूर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे हम इसे 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, हम इसे बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट के बाद हमारा खजूर अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे हमारा भुना हुआ नारियल का बुरादा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं खजूर के अंदर अच्छे से ड्राई फ्रूट और सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, इसे मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसमें हमारा खजूर पाक निकाल लेंगे। अगर आपको इसको टुकड़ों की शेप में नहीं बनाना है तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं खजूर पाक को मैंने अच्छे से प्लेट में सेट कर दिया है। अब इसे हम आधे घंटे तक ठंडा होने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, हमारा खजूर पाक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेंगे। खजूर पाक को मैंने कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। इसी तरह से हम सारे खजूर पाक के पीस को प्लेट में निकाल लेंगे। देख सकते हैं खजूर पाक को मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो रेडी है हमारा हेल्दी और पौष्टिक खजूर पाक।